नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इवनिंग सुपर फास्ट एक्सप्रेस के प्राइम टाइम में। तो आइए करते हैं आज की बड़ी खबरों की शुरुआत आपके अपने चैनल जीएस न्यूज के साथ। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने दिया निर्देश। सीएम नीतीश ने कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों की यात्रा में किराए के लिए की गई व्यय राशि और न्यूनतम 1,000 रुपये उनके खाते में अंतरित करने के लिए अग्रिम तैयारी करने का निर्देश दिया है। बिहार का मखाना पहुंचेगा विदेश। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार के मखाना की ब्रांडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार का मखाना अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहुँच बनाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार का धमकी भरा फरमान। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की चिट्ठी में लिखा गया है कि प्रवासी मजदूर अगर क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा करेंगे तो उन्हें ट्रेन का किराया और दूसरी सहायता राशि नहीं दी जाएगी। मखाना की ब्रांडिंग बिहार के लिए वरदान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत की गई घोषणाओं को बिहार के किसानों के हित में बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने वित्त मंत्री का आभार प्रकट किया। विदेश में फंसे बिहारियों को वापस लाने की तैयारी। 18 मई को आएगी पहली फ्लाइट। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे बिहारी नागरिकों को बिहार वापस लाने की तैयारी पूरी हो गई है। 18 मई को वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत विदेश में फंसे अप्रवासी बिहारियों का पहला जत्था अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गया पहुंचेगा। 60,000 से ज्यादा मजदूर 40 से स्पेशल ट्रेन से आज बिहार पहुंचेंगे। विभिन्न राज्यों में फंसे 60,167 प्रवासी 40 ट्रेनों से आज बिहारेंगे। गुरुवार को 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 46,000 श्रमिक आए। सभी को प्रखंड क्वारंटीन सेंटर पर बसों के माध्यम से भेजा गया। कटिहार में पति ने घरेलू विवाद में पत्नी की पीट पीट कर की हत्या। कटिहार में एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र के कालिया नगर ग्वाल टोली में एक पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस खबर की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम शाहिना खातून बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री का प्रवासियों से अपील, छुपकर या पैदल ना आए थाने में फोन करें, गाड़ी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाने की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। लोगों को छिपकर या पैदल आने की आवश्यकता नहीं है। थाने में फोन करें, स्टेशन पर और सीमा पर पहुंचे लोगों को बस और ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था छुपाने के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया फरमान। कांग्रेस मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार मजदूरों की मदद कर उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है। सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली और कुव्यवस्था को छिपाने के लिए मीडिया कर्मियों पर बैन लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा करने पर उन्हें किराया और दूसरी सुविधाएं नहीं देने का आदेश जारी किया है। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार हिटलर शाही कर रही है, साथ ही प्रतिदिन तुगलकी फरमान सुनाए जा रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। शनिवार को राज्य में 46 नए मरीज मिलने के बाद अब 39 और नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1118 हो गई है। पिछले 8 दिनों में अधिकतर बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं। वहीं राज्य में कोरोना महामारी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 27 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 440 हो गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। धन्यवाद। बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जीएस न्यूज को।